बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ और स्टॉक के साथ हाजिर हूँ। मुझे आपको मैंने बताया था कि काफी पाइल्ड अप हो गई रिक्वेस्ट जो है काफी स्टॉक्स की सोशल मीडिया में, और जो मुझे कमेंट करते हैं यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, तो अब उनको भी मैंने इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि जो क्यू में है, जो बेचारे 1 महीने 1 या 15 दिन पहले, उनसे मैंने शुरुआत की है। तो अभी जिन जिन की वो बारी आ जाती है वो देख ले। आज मैंने जो चूज किया है वो अल शहीद कॉरपोरेशन है, और बलूचिस्तान ग्लास है, डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल है, और एयर लिंक, तो ये मैंने चूज किए हैं। तो सबसे पहले चले आइए एएससी अल शहीद कॉरपोरेशन का एनालिसिस देख करते हैं। इस तक अगर हम वीकली पे देखें तो इसका ये अभी ये वाला रेजिस्टेंस वीकली पे और डेली पे, दोनों पे ये रेजिस्टेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये वाला एरिया जो है इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, 11 रुपए 68 पैसे, ठीक है। और अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, ये वाला एरिया अगर हम ले तो ये एक रेजिस्टेंस, जो पहले भी इस एरिया को रेजिस्ट किया है इसने और रिजेक्शन भी विटनेस किया है, ये वाला एरिया, ठीक है। प्राइस सेक्शन के हिसाब से ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको ये अपर साइड पे कर लेते हैं। इसकी नेकलाइन सपोर्ट काफी कैंडल की नेकलाइन सपोर्ट, ठीक है ना, ये वाला, तो ये 10.70 से लेके 11.70 यूं समझ लें इस वक्त ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है इसकी। मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये इसकी ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, ये वाला एरिया। अब ये मैं आपसे वीकली शेयर, क्योंकि अब वीक एंड हुआ है, आज क्लोज हुआ है, तो उसका मैं शेयर कर रहा हूं। अब वीक की पोजीशन में अगर हम देखें तो यहाँ इसने बहुत अच्छी सपोर्ट ली, जो कि इसकी नेक लाइन सपोर्ट थी। मैं अभी सिर्फ आपको अभी प्राइस सेक्शन और ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही बता रहा हूँ। ये वाला एरिया जो है 17 रुपए 25 पैसे, ठीक है, लो भी किया था इसने, इसको तोड़ा भी था इंट्राडे में, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 4 रुपए 22 पैसे पे आई है, और यही इसकी जो अभी एक तरह से समझ लें सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। ऑल दो के देखें, यहाँ डिच किया था, एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी, लेकिन अगेन एक बुलिश कैंडल ने इसको नेगेट किया, और ये स्टॉक जो है 11 रुपए 68 पैसे तक गया, अब परफॉर्म किया है यहाँ पे। फिर वहां से हमने फिर ये अगेन इस बुलिश कैंडल को इसने रिजेक्शन दिए और नेगेशन भी किए, और यहाँ पे फिर वापस मार्केट सॉरी स्टॉक जो है वो नीचे आ रहा है। अब इस वक्त करंट सिनेरियो में देखें तो एक ये जो बॉटम था ये वाला, अब हम एक पैटर्न की तरफ आते हैं, जो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जो ये पैटर्न बन जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो इस पैटर्न के लिए मैं यहां से ये इसको ले लेता हूं, हॉरिजॉन्टल रे आ गया, सॉरी ये वाला, फिबोनाची भी ले लेते चले हम पहले, यहां से भी इसको हम फिबोनाची से भी ले लेते हैं, क्योंकि देखिए ये इसका लो था और ये इसका हाई था, ठीक है। अभी हम पहले लोअर साइड देख लेते हैं इसकी, ये लोअर साइड वीकली में बन रहा है, जो कि अभी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है 1.618। अभी एसएच को इसमें कोई ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट को ऐसी नहीं आई कि इसको हम यहाँ देख सकें, लेकिन अभी फिलहाल ये वैसे बारह लिए 6 रुपए 32 पैसे का अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसने बनाया हुआ है। लेकिन अगर ये तोड़ता है तो फिर ये वीकली पे ये एक्सपोज हो जाएगा 2.98 या 3 रुपए समझ लें, जो कि अभी फिलहाल ऐसी मार्केट में तो मुश्किल नजर आ रहा है, ठीक है। ये फिबोनाची के हिसाब से और अपर साइड पे थोड़ा मूवमेंट देख लेते हैं इसकी कहाँ तक जाएगी, ठीक है। ये इसका लो था, ये इसका हाई था 15 रुपए तक, ये मैं फिबो के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ जो इसका गोल्डन रेशियो है फिबो का वो, वन पॉइंट सिक्स वन एट, ठीक है ना, ये वाला जो है गोल्डन रेशियो है 2 रुपए 97 पैसे या 3 रुपए के अराउंड। अच्छा, बात सारी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की होती है, अगर इसको ब्रीच करता है तो ये जाहिर सी बात है चांसेस हैं कि ये 3 रुपए तक आ जाए, और अपर साइड पे इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये अगेन ये वाला, इसको मैं क्लियर कर दूं, ये इसका जो चैनल टॉप है इसको भी रिटेस्ट कर सकता है ये वाला एरिया,
इसकी मैं नेक लाइन ले लूं यहाँ पे, ये वाला इसको मैं रेड कलर दे दूं, और 6.18 भी ये यहाँ पे जिसका मैं आपको प्राइस सेक्शन के हिसाब से ये वाला एरिया ले लेता हूँ, ये वाला इसकी नेक लाइन रेजिस्टेंस, ये वाला एरिया 15 रुपये 18 पैसे या 15 रुपये तक भी इसको ये रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अगर ये पैटर्न बनाता है ये वाला, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये वाला पैटर्न बनाएगा ये यहाँ पे आके, तो ये देखें कंसोलिडेशन अगर ज्यादा होगी। ठीक है, ये यहाँ इसको कंसोलिडेट करता है, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम भी लगाता है और फिर इसको ब्रेकआउट करता है। ठीक है, ये वाला तो ब्रेकआउट के बाद जो है ये आपको इवन 15 रुपये और इवन और ऊपर भी जाता हुआ नजर आता है। उसको मैं थोड़ा सा ये वाला इसको रिटेस्ट कर सकता है, ये वाला एरिया को, इसका जो चैनल टॉप है 21 रुपये 27 पैसे, ये फिर इसको जाके रिटेस्ट कर सकता है ये वाला। तो अब तक जो है करंट सिनेरियो में तो ये अभी एक समझे, ये वीकली पे ये फ्रॉम 1168 टू 629, ये देख लें इस एरिया के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये करता रहा तो यहाँ पे अच्छा गेन मिल सकता है हमें यहाँ पे। ये मैं आपसे टेक्निकली शेयर कर रहा हूँ, और वैसे अगर देखें फंडामेंटली इसके फाइनेंशियल रिजल्ट देखें इसके, असल में ये नेट का बड़ा इश्यू आ रहा है। वैसी बात है, अभी मैंने फाइबर ऑप्टिक लगाया और लगाते ही मुझे खबर आई है कि भाई ये अंडर वाटर केबल जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई है, तो अब उसकी रिपेयर में तकरीबन 10-12 दिन लगेंगे। ये देखें मेरे साथ ये इसी वजह से मुझे वीडियो बनाने में भी देर लग रही है, अब यहाँ देखें स्टक हो गई है। तो बहरहाल देखें, अभी मैंने आपके साथ ये शेयर तो कर दिया है, ठीक है, अल शहीद का, अल शहीद की मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, और बाकी जो स्टॉक जो मैंने आपको नाम लिया, DOL डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल है, बलूचिस्तान ग्लास है और एयरलिंक, वो फिर जैसे ही मेरा इंटरनेट जो है इसका इश्यू रिजॉल्व होगा, इंटरनेट का रिस्टोर हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।